अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया अमेरिकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप का कोरोना वायरस पर मजबून। बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और इनके साथ इनके छोटे बेटे बैरन का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया था। बैरन सेहतयाब हो चुके हैं, का टेस्ट नेगेटिव आया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना है अमेरिका ईरान को खतरनाक हथियार खरीदने से बाज रखेगा। ईरान पर दबाव की पॉलिसी जारी रखी जाएगी, ईरान पर पाबंदियां जारी रहेंगी। यूरोपीय ममालिक में कोरोना केसेस में इजाफा, कई ममालिक में लॉकडाउन और ऑफिस। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, 12 अहलकार हलाक। सूबे बलूचिस्तान में हमले की जिम्मेदारी शिद्दत पसंदों के ग्रुप बरास ने कबूल कर ली। पाकिस्तान के साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के नैब की जानिब से जाली अकाउंट्स केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। ये थी हेडलाइंस, अब खबरें तफसील के साथ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी अहलिया और अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी कोरोना वायरस में मुब्तला रही। कोविड-19 के साथ इनका तजुर्बा कैसा रहा, इसे शेयर करने के लिए एक आर्टिकल लिखा है। अपने इस आर्टिकल में मेलानिया ट्रंप ने नया इंकशाफ किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनके साथ इनके छोटे बेटे का भी कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया था। मेलानिया ने ये भी लिखा, कोविड-19 की अलामत जाहिर नहीं हुई थी मगर इनका कोविड-19 का टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। बिल्कुल सेहतयाब हैं। इनका दोबारा कोरोना का टेस्ट किया गया जो नेगेटिव आया। मेलानिया ट्रंप ने लिखा, जब इनके बेटे का कोविड-19 का नेगेटिव आया तो इन्होंने सुख का सांस लिया। वो अपने बेटे के कोविड-19 से मुतासिर होने पर शरीर परेशान थी। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी जारी है। अमरीका की जानिब से ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद की गई थी। अमरीका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना है अमरीका की जानिब से ईरान पर दबाव की पॉलिसी जारी रहेगी, पाबंदियां जारी रखी जाएंगी। अमरीका ईरान को खतरनाक तरीन हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देगा। ईरान को रोकने के लिए अमरीका पाबंदियां जारी रखेगा। एक रोज पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा था, ईरान ने जौहरी हथियार हासिल करने का अगर इरादा कर लिया कोई उसे नहीं रोक सकता। आलमी वबा कोविड-19 से दुनिया भर के कई मालिक मुतासिर हैं। यूरोप में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के बाद केसेस में दिन ब दिन इजाफा सामने आ रहा है। रोजाना हजारों की बुनियाद पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यूरोप के शहर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली में पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रोन ने कोविड-19 की दूसरी लहर से बचने के लिए फ्रांस के कई शहरों में रात के वक्त कर्फ्यू का ऐलान किया है। फ्रांसीसी हुकूमत का कहना है कि कोविड-19 के हवाले से हेल्थ इमरजेंसी दोबारा बहाल की जा रही है। फ्रांस के सदर का कहना है कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए इकदाम करने की जरूरत है। फ्रांस में कर्फ्यू के दौरान रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान पेरिस समेत दीगर शहरों में शहरियों को घरों से निकलने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। फ्रांसीसी हुकाम का कहना है कि कवानीन के खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। वहीं नीदरलैंड में भी 4 हफ्तों के लिए जुजवी लॉकडाउन लगा दिया गया। रेस्टोरेंट्स और बार्स को बंद कर दिया गया। शहरियों को घरों पर रहने की हिदायत की गई है। जर्मनी में भी कोरोना केसेस में इजाफा सामने आ रहा है। जर्मनी के हुकाम का कहना है एक ही रोज के दौरान 5,000 से ज्यादा नए कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बरतानिया में भी कोविड-19 का फैलाव बढ़ता जा रहा है। बरतानिया के वजीर आजम ब्रिस जॉनसन को इन दिनों कोविड-19 के बायस लगाई गई पाबंदियों पर शदीद तनकीद का सामना है। इटली में भी कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आने के बाद इटली की हुकूमत ने नए हिफाजती कानून जारी कर दिए हैं।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दो बड़े वाकयात सूबे बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए गए। इन हमलों में कैप्टन समेत 12 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार हलाक। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में पहला हमला खैबर पख्तूनख्वा के शहर शुमाली वज़ीरिस्तान में किया गया। शिद्दत पसंदों की जानिब से किए गए हमले में 6 फौजी अहलकार हलाक हुए। दूसरा हमला सूबे बलोचिस्तान के शहर गवादर में किया गया। 6 फौजी अहलकार निशाना बने। पाकिस्तानी फौज के शोबे तालुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है, सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में शिद्दत पसंदों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के एक काफिले पर बम से हमला किया गया। इस हमले में पाकिस्तानी फौज के कैप्टन उमर फारूक समेत 2 नायब सूबेदार, 1 हवालदार और 1 नायक और 1 लांस नायक हलाक हुए। पाकिस्तानी फौज की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि दूसरा हमला सूबे बलोचिस्तान के जिला गवादर की तहसील और माणा में किया गया। 6 सिक्योरिटी अहलकार हलाक हुए। पाकिस्तान के वजीर दाखिला एजाज शाह ने दहशतगर्दों की जानिब से की गए सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों की शदीद अल्फाज मजम्मत की। उन्होंने कहा, दुश्मन अनासिर की बुजदिलाना कार्रवाई है, शर पसंद अनासिर को इनके अजायम में कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तानी फौज के जवानों की हलाकत पर वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का कहना है, कोस्टल हाईवे पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की जानों का जया इस बात की अलामत है, दुश्मन बलोचिस्तान और उसके अवाम को तरक्की करते नहीं देख सकता। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले की जिम्मेदारी बलोच शिद्दत पसंद तंजीम बराज की जानिब से कबूल कर ली गई है। पाकिस्तान के साबिक सदर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब की जानिब से जाली अकाउंट्स केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। नैब सराय का कहना है कि आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। नैब हुकाम का कहना है कि साबिक सदर जाली अकाउंट्स केस में नैब को मतलूब है। आसिफ अली जरदारी अरबों रुपयों की मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजेक्शन के केस में मतलूब है। आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम है जाली अकाउंट्स खुलवाकर बैरून मुल्क रकम भिजवाई। आसिफ अली जरदारी पर यह भी इल्जाम है मशकूक बैंक ट्रांजेक्शन के जरिए अपना मकान खरीदा। नैब अदालत में जाली अकाउंट्स केस दायर है। आसिफ अली जरदारी कई बार नैब हुकाम के सामने पेश हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी को चंद रोज पहले तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर नैब हुकाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया।